हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका थंबनेल आप देख चुके होंगे। इसमें अपन ऑटोकैड के अंदर लाइन कमांड की मदद से आज एक पूरे प्लान को ड्रॉ करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर REC कमांड लेता हूँ, REC फॉर रेक्टेंगल। मुझे 25 बाई 50 का एक प्लान बनाना है। तो 25 फीट टेब -15 फीट। अब जैसे रेक्टेंगल गलत हो गया, फिर चलो REC। शुरू में वैल्यू कितनी डालनी है? 25। एक मिनट दोस्तों, कुछ एरर आ रहा है। सबसे पहले आपको 25 फीट टेब -50 फीट एंटर। ये आपने 25 बाई 50 का प्लॉट बना लिया। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, मेजर करके देखना है कि 25 बाई 50 का बना है। देखो यहाँ 25 फीट बता रहा है। अब इसकी लंबाई यहाँ से चेक करेंगे अपन, तो ये 50 फीट बता रहा। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसका अपन को ऑफसेट लेना। तो फोर ऑफसेट 8 इंची का अपन को ऑफसेट लेना है। ये मैंने इसकी आउटर वॉल बना दी। अब सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें क्या बनाना है, जैसे कि एक किचन बनाना है, पार्किंग बनाना है, 2 बेडरूम बनाना है, टॉयलेट बनाना और डाइनिंग रूम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कमांड से तोड़ूंगा। सबसे पहले इसका ऑफसेट लूंगा मैं 13 फीट अंतर। ये मैंने पार्किंग एरिया ले लिया, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए और ज्यादा लेना पड़ेगा। और इसमें मैंने 4 इंची ऑफसेट ले ली। अब मुझे सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ से हॉल हॉल लाइक मुझे 16 फीट का हॉल लेना है। हॉल लेके मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऑफसेट। अब मैं मेजर करूंगा कि पीछे कितनी डिस्टेंस बच रही। लाइक मैंने यहाँ से मेजर करा तो ये कितना, 19 फीट। ठीक है, तो मैं पीछे से क्या करूंगा, इसका 4 फीट का ऑफसेट ले लूंगा। इसका 4 इंची ऑफसेट ये मैंने ले लिया। अब मुझे लाइक यहाँ पर किचन बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको ट्रिम कर लेना, TR डबल इंटर। यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब यहाँ से मुझे इस लाइन का क्या लेना, ऑफसेट। लाइक मैंने 11 फीट इसका ऑफसेट ले लिया। ये मेरा किचन बन गया। ठीक है, 11 फीट का ऑफसेट लेके मैंने यहाँ से किचन बना लिया। अब यहाँ से मुझे बेडरूम बनाना है, तो मुझे इसके सेंटर पॉइंट से बनाना है। यहाँ से मुझे लाइन मिल जाएगी, ये देखो। यहाँ से इसको ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। और यहाँ पर लाके आप, अब इसका आप ऑफसेट करना 2 इंच दोनों तरफ। जैसे इसके पास में जाना, एक बार इधर करना, एक बार इधर। फिर क्या करना है, मिड वाली लाइन को डिलीट कर देना है। ये हमारे 2 बेडरूम बन गए, हॉल बन गया, डाइनिंग बन गया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस गेट बनाना। मान लो मुझे 8 फीट का एक एंट्रेंस गेट बनाना है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका ऑफसेट लोगे 8 फीट और एक इसका ऑफसेट लोगे 4 फीट इंटर। इसके बाद क्या करना है, आपको इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ करोगे। इसके बाद ट्रिम कमांड लगाना, TR डबल इंटर। यहाँ से इसको ट्रिम करोगे, यहाँ से इसको ट्रिम। ये आपके गेट का सिंगल बन चुका है। अब यहाँ पर अपना किचन है, तो यहाँ पर एक विंडो दे देंगे अपन। लाइक 4 फीट की एक विंडो दे दी। विंडो बनाने के लिए क्या करना है, रेक्टेंगल के बीच में एक लाइन खींच देना। इससे क्या बन जाएगा, विंडो। अब दोस्तों मैंने आपको इस प्लान में जैसे डोर बनना से नहीं दिखाया था पिछले वीडियो में, तो अब मैं बताता हूँ आपको डोर कैसे बनाना। लाइक मुझे यहाँ पर डोर देना, तो मैं यहाँ से लाइन लूंगा और यहाँ पे टच कर दूंगा। अब यहाँ से मुझे इसका ऑफसेट लेना है 3 फीट
6 इंच। ये तो ये हो गया डोर। और क्या करना आपका टी आर डबल इंच का, और यहाँ से आपको इसको क्या कर लेना है ट्रिम। तो ये आपका डोर बनकर रेडी हो गया। ऐसे कैसे आपको किचन का डोर देना हो, मान लो किचन का डोर मैं इधर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये लाइन खींचेंगे और इसका यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे 3 फीट 6 इंच। और इसके बाद क्या करेंगे, टी आर डबल इंच का ये यहाँ से डोर बन गया। देखो दोस्तों, अब मुझे एक विंडो यहाँ पर देनी, यहाँ पर दे देते। तो यहां से ये पकड़ा और ये मैंने 4 फीट की विंडो दे दी। थोड़ी सी इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए मैंने आपको M4 मूव कमांड बताया था। ये मूव हो गए, इसके बीच में अपन को एक लाइन खींच देनी है। ये बन गया विंडो। अब दोस्तों आपको स्टेयर बनाना है। स्टेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप आधी सी लेना रेक्टेंगल, और यहां से आपको इसको 3 बाई 3 का बनाना, 3 बाई 3। ये अब इसको क्या करना, एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड 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 करने के बाद आपको इसका क्या लेना, ऑफसेट 10 इंची का लेना। 1 2 3 4 5 छः, अब गिना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। अब दोस्तों मान लो मुझे यहाँ से स्टेप हटानी, तो इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर अपने लैंडिंग में समोसा दे देंगे, जिसकी मदद से अपना एक टप्पा कम हो जाएगा। यह क्योंकि जहां पर खत्म हो रहा है वहां कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस बचना चाहिए। यह और कम करना हो तो आप इधर ले सकते हो, इसको लाइन को यहां से लेके यहां तक ले लें। तो ये आपका स्टैक बन गया। अब आपको एरो दिखाना, तो यहाँ पर मैंने बोला था लीडर कैसे बनाना, तो इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ पे लिख देना, अब कैपिटल में लिखना है, कैप्स लॉक ऑन करके अब। तो यहाँ से आपका स्टैक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाके खत्म हो रहा है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल। अब इसके बाद दोस्तों अपन को क्या करना, ये तो होल बन गया, डोइनिंग बन गया। यहां पर अपन को डोर की ओपनिंग देना, तो लाइक यहां से ऑफसेट लेना, इसका ऑफसेट 3 फीट, यहां से इसका ऑफसेट पहले 4 इंची ले लेना, फिर यहां से इसका ऑफसेट 3 फीट। और इसके बाद अपन को क्या, कौन सा कमांड लगाना, टी आर डबल इंटर ट्रिम कमांड की मदद से आप इसको हटा सकते हो, और इस लाइन को आपको डायरेक्ट डिलीट करना है। ये आपके दोनों ओर ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पर आपको टॉयलेट शो करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से लाइन लोगे, लाइन के ऊपर लाइन, मान लो आपको कितना 7.5 फीट का बनाना है, यहाँ से ये लाइन ले लिया आपने और इसी का ऑफसेट कर दोगे 4 इंच 4 इंच। तो ये आपका टॉयलेट बन गया। इसी प्रकार इधर भी बनाना है, तो यहाँ से लाइन लो, कितनी लेना, 7 फीट 6 इंच। ये आपका कंबाइंड रहेगा, इसमें नहाने का भी रहेगा और सीट भी रहेगी। यहाँ से आपको इसका ऑफसेट लेना है 4 इंच, ये आपका ऑफसेट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, टॉयलेट में डोर लेना है, तो डोर लेने के लिए यहाँ से टॉयलेट का डोर रहता है 2 फीट 6 इंच, और यहाँ से इस लाइन को कंट्रोल जेड से आप इसको रिवर्स कर सकते। अब इसको यहाँ से ट्रिम कर लो, टी आर डबल इंटर ट्रिम करने पर ये यहाँ से
मिट जाएगा। अब ऐसा कैसा इधर करना, मान लो इसके सामने इसका दरवाजा नहीं लेना, अपन इधर लेना चाहिए, 2 फीट 6 इंच। इसको यहां से मोड़ लिया, ये जो डबल लाइन बनाई है इसको हटा के, टी आर वन लिंटर। तो ये आपका दोनों टॉयलेट बनकर तैयार हो गए। अब दोस्तों हमें बेडरूम में विंडो देना है, तो यहाँ से अपन एक रेक्टेंगल का मान लेंगे, बड़ा विंडो तो कम से कम 6.5 फीट का विंडो दिया है, ताकि प्रॉपर अपने यहाँ वेंटिलेशन हो सके। अब इसी को आपको कॉपी करना है, सीपी इंटर, वो कॉपी करके यहाँ लाना है होल में, और इसी की कॉपी करके, अब देखो ये पहले इसको यहाँ रख दो, फिर आप इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद M4 मुंह कमांड लगाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ रख दोगे। तो ये आपका यहाँ पर विंडो नहीं दे रहा है, यहाँ पर टीवी यूनिट लगाएंगे अपन, इसलिए यहाँ पर मैंने विंडो नहीं दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किचन का प्लेटफॉर्म बनाना। तो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, 2 फीट का प्लेटफॉर्म रहता है, 2 फीट इंटर, यहाँ से आपको इसको यहाँ लेना है 2 फीट इंटर, इसको थोड़ा यहाँ पे रोक देना, वहां पर फ्रिज रखने की जगह बच जाएगी। और यहाँ से आपको इस लाइन को डिलीट करके TR डबल इंटर लगाना है, TR, यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना। ये आपके किचन का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, अब नेमिंग करनी। नेमिंग करने के लिए लाइक अपने पास जैसे ड्राइंग रूम कैसे लिखना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करो, ऑल्थोबन, इसको यहाँ रख दो, फिर यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, सब जगह रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अब इसके बाद आपको क्या करना, एडिट करना। अब आपको साइज के लिए यहाँ मैंने डायमेंशन का पिछले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ से आप अंदर अंदर की इसकी साइज मापोगे तो 16 फीट आ गई, और अगर ऐसे इसको मापोगे तो 23। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं ये वाली चीज, तो यहाँ 12 फीट की जगह क्या लिख दोगे, 23 फीट 8 इंच, और यहाँ पर लिख दोगे 16 फीट, और इसको सेंटर में करना है। ठीक है, अब इसको सेव कर दो, थोड़ा मेरे पीसी में दिक्कत आ रही, और यहाँ से आप डायमेंशन को डिलीट कर दो। अब आपको किचन का डायमेंशन बताना है, तो यहाँ से आपको इसको मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा, 13, इसकी चौड़ाई कितनी हो रही, 11। ऐसे कैसे आप यहाँ पार्किंग की चौड़ाई माप लो, वापिस उसी कमांड में जाना हो तो क्या दबाएंगे, इंटर, यहां से डायमेंशन लिया, यहां क्लिक कर यहाँ, अब ये कितना आ रहा, 12 फीट 4 इंच, तो यहाँ लिख दो कि 12 फीट 4 इंच, और इसकी लेंथ कहाँ है, पास वाले में देखो, फीट 12 फीट 4 इंच बाय 13 फीट। और ये अब यहाँ पर जैसे ड्राइंग लिखा है, इसको पार्किंग लिखना, तो यहाँ पर आप इसको लिख दोगे PAR, डबल क्लिक करके इसको P
एक मिनट दोस्त, इसको पहले बदल, इसकी कितनी 11 फीट, यहाँ पर अपन को लिखना है 13 फीट। ये कौन सा रूम है? किचन। एक मिनट दोस्त, कुछ दिक्कत आ रही है ऑटो गेट में, चेक कर लेते। यहाँ तो सब सही चल रहा है। ठीक है दोस्त, पार्किंग, जो हमने पार्किंग लिख दिया। दोस्तों, ऐसा कैसे? यहाँ पर अपन को लिखना है किचन, KITCHEN, एंटर। अब इसको थोड़ा सा इसके नीचे से अंडरलाइन हटाना है, इसको क्लिक करके यहाँ पर दबा, जैसे ये अंडरलाइन दिख रही, डबल क्लिक करके यहाँ पर हटा दे। इसको ब्लैक करना है, यहाँ से अपन इसको ब्लैक कर लेंगे। इसको ब्लैक करना है, यहाँ से जाके इसको ब्लैक कर लें। ठीक है दोस्त, अब ये डायमेंशन को यहाँ से डिलीट कर दें। वो मेरे पीसी में थोड़ा दिक्कत आ गया था, आपके यहाँ नहीं आएगा। अब ये जैसे ड्राइंग रूम बराबर लिखा हुआ, इसको ब्लैक कलर करना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से ये ब्लैक कलर कर लेंगे। इसको बीच में करना है, स्पेस बार दबा के बीच में कर ले। अब इसको बेडरूम लिखना, यहाँ से ये BED बेड बेडरूम, इसको पूरे का सबसे पहले आप यहाँ से लाइन हटाओ। कलर कौन सा करना? ब्लैक। यहाँ लाइन आ रही, इसको डबल क्लिक करो और यहाँ से इसको दबा दोगे तो लाइन हट जाएगी। अब इसकी माप अपने पास नहीं, तो अपन यहाँ से लीनियर पर जाकर ये 14 फीट 8 इंच, यहाँ से ये कितना हो रहा है 11 फीट 8 इंच, तो यहाँ लिख देंगे 11 फीट 8 इंच, और ये कितना है 14 फीट 8 इंच। ठीक है, अब इन दोनों को डिलीट कर दो। थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा जाएगा, लेकिन पूरा मिल जाएगा। यहाँ से ये एक बेडरूम यहाँ बन के, अब इसको ओपन को लिखना है कॉमन टॉयलेट, कॉमन TOILET टॉयलेट। कितना है? 60 फीट 6 इंच, 4 फीट, और यहाँ से इसको
इसी को यहाँ से अब इसमें दो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से लाइन हटाएंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे। इसको दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, यहाँ ले आएंगे। तो दोस्तों जो हमने लेमिंग का काम कर दिया, अब इसके बाद जैसे मुझे सिंक बनाना, लाइक मैं सिंक यहाँ बनाना चाहता, तो यहाँ क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूंगा ये, और इसका ले लूंगा ऑफसेट 2 इंच, 1 इंच ले लो। ऑफसेट गलत हो गया, डिलीट कर, रेक्टेंगल को पकड़ के वो ऑफसेट एक, और सबसे पहला का कमांड नहीं चल रहा, क्रॉस करो वहां से, यहां से भी आपको ऑफसेट कमांड मिल जाएगा। ये ऑफसेट करके 1 इंच, फिर से रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। सिंक को ओपन बाद में बना। अब दोस्तों मुझे क्या करना, मान लो एक मैं प्लान लाता हूं, और मैं आपको बताता हूँ दूसरी शीट से प्लान कैसे लाते हैं। लाइक ये मैंने दूसरा प्लान खोला, इसमें आप इग्नोर कर दो, फाइल खोलने में 1 मिनट लगेगा, 22। देखो जैसे यहां से अपन एक प्लान उठाते, लाइक ये वाला प्लान, ठीक है, इसमें वेट वेट सब, इसको यहां से कॉपी कर लो पूरा, पूरा कॉपी कर लो। इसके बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल सी प्रेस कर, और फिर अपनी फाइल में आके कंट्रोल वी प्रेस कर, ये हुआ, फिर से जाओ यहां से, आपने इस प्लान को सिलेक्ट करा, फिर सिलेक्ट करा, फिर आपको कंट्रोल के साथ सी दबा, दोस्तों उसको एक बार सेव कर देते हैं। कंट्रोल सी से भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है, इसको कॉपी करते और दूसरा देख लेते, इसको लेते कंट्रोल सी, और यहां जाके अपन को करना है कंट्रोल वी,
दोस्तों एक बार मैं इसको सेव करके इसी को बंद करके चालू करता हूँ। कुछ दिक्कत आ रही, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट। बंद करके चालू कर दो, 2 मिनट रुकना पड़ेगा।